नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 26 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न को। किस राज्य ने सबसे पहले महानिदेशक लेखा परीक्षा का पद स्थापित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, लेखा परीक्षा के महानिदेशक की स्थिति शुरू में भारत के एक राज्य तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। इस पद के लिए राज्य ने भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। अधिकारी के कर्तव्यों में राज्य के आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभागों के संचालन को बढ़ाना और सुव्यवस्थित करना शामिल होगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का संस्करण क्या है जो 21 नवंबर को करावांग पश्चिम जावा इंडोनेशिया में चल रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, इंडोनेशिया और भारत के बीच द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुड़ शक्ति का 8th पुनरावृत्ति 21 नवंबर 2022 को करावांग पश्चिम जावा इंडोनेशिया में संगगा बुआना प्रशिक्षण सुविधा में चल रहा है। वर्तमान में करावांग इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई विशेष बल और भारतीय विशेष बल के सैनिकों का एक दल 13 दिवसीय कठोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। हाल ही में 22 नवंबर को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, मुंबई महाराष्ट्र में KVIC केंद्रीय कार्यालय में 1993 बैच के एक IRSEE इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स अधिकारी विनीत कुमार ने संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नेतृत्व ग्रहण किया। KVIC सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MoMSME की एक एजेंसी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न चार की तरफ। कौन सा राष्ट्र चिन कुकी मिजो जातीय समुदायों से जुड़ा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA और बांग्लादेशी सुरक्षा बल लड़ रहे हैं और चिन कुकी जातीय समूह के आदिवासी सदस्य बांग्लादेश से भाग रहे हैं। मिजोरम सरकार ने घोषणा की कि वह बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले 274 आदिवासी बांग्लादेशियों को अस्थायी आश्रय, भोजन और राहत प्रदान करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न पाँच की तरफ। किस राष्ट्र ने ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है, मानव रहित आर्टिमिस 1 मिशन के हिस्से के रूप में नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान ने अपना पहला मून फ्लाईबाई सफलता पूर्वक पूरा किया। 130 किलोमीटर इसे चंद्र सतह से अलग करता है। चंद्रमा से अपने सबसे दूर के बिंदु पर ओरियन ने अपोलो 13 द्वारा रखे गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 57,287 मील से अधिक की यात्रा की होगी। चंद्रमा से परे ओरियन एक दूर की प्रतिगामी कक्षा शुरू करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन टर्शील्ड सबसे पहले किस देश द्वारा चलाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है, CITES के COP19 में पक्षकार बाटागुर कछुगा मीठे पानी के कछुए को संरक्षित प्रजातियों की सूची में जोड़ने के भारत के प्रस्ताव से सहमत थे। CITES ने मीठे पानी के कछुओं के अवैध शिकार और अवैध बिक्री को रोकने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की एक पहल ऑपरेशन टर्ड शील्ड की सफलता के लिए सरकार की प्रशंसा की। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में किस राष्ट्र की पहचान की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, रूस को यूरोपीय संसद द्वारा आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में लेबल किया गया है। इसने दावा किया है कि यूक्रेन में असैन्य लक्ष्यों जैसे अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों पर हमला करके यह अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा था। एक सहायक विधायी ढांचे की कमी के बावजूद यूरोपीय संघ ने पहले ही यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस पर अभूतपूर्व दंड लगाया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न आठ की तरफ। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में नव
नवंबर 2022 में भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ साझेदारी की, फर्स्ट ऐप स्टिकर प्रणाली के साथ भारत का पहला डेबिट कार्ड पेश किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्स्ट ऐप भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा पेश किया गया था, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC के साथ पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल पर स्टिकर को टैप करके लेन देन को सक्षम बनाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। 2022 वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस का फोकस क्या था, जिसे दुनिया भर में 16 नवंबर को चिन्हित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 नवंबर 2022 हर साल नवंबर में तीसरा बुधवार दुनिया भर के लोगों ने दुनिया में सबसे आम बीमारियों में से एक के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD दिवस मनाया। 2022 में विश्व COPD दिवस जीवन के लिए आपके फेफड़े पर केंद्रित होगा। 20 नवंबर 2022 को पहला विश्व COPD दिवस मनाया गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नवंबर 2022 में अनीमिया उन्मूलन के लिए एमलान AMLAN अनीमिया मुक्त अभियान मिशन शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा में महिलाओं और बच्चों के बीच एनीमिया के पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए अम्लान अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान अनिवार्य रूप से शुरू किया। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 26 नवंबर 2022 यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।